अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस चैनल पर आपको फ्री नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल्स, फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो चैनल जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, काफी इंपोर्टेंट न्यूज लेकर आया हूँ। तो एक तो एक एग्जाम को कैंसिल करने की मांग की जा रही है, रीट 2019। इसके बाद कुछ वैकेंसीज निकली है 4500। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, बोलते ना कि सेंस की कमी, मैं सेंस की कमी जरूर बोलूंगा उस चीज को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता आ रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि यार मैं कहीं पे गलत हूं, तो मैं उस चीज के लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूं। आप लोग प्लीज कोई भी यार गलत ना बोले। आपको लगता है कि यार कुछ चीज मुझ में गलत है तो आप सलाह दीजिए, मैं उसमें यार बदलाव करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कई बार होता है, पहले क्या होता था, बोलते थे कि यार आप वीडियो बहुत लंबी बना देते 10-10 मिनट की। मैंने लगा यार कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का, तो मैं जो वैसी मॉर्निंग में वीडियो डालता हूं तो वो मतलब बहुत छोटी कर दी मैंने। तो आप लोग यार सलाह देंगे तो मैं उस चीज को जरूर मानूंगा। अभी क्या हुआ, अभद्रता की हद। शाम के टाइम कल मेरे पास एक कमेंट आया, उस कमेंट में वो बंदा टॉक टू जीआरके से, उनका प्रोफाइल था, नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था, टॉक टू जीआरके, वो बंदा बोल रहा है कि झूठे वूठे पता नहीं क्या क्या झूठे आदमी। यार अब सबसे पहले एक बात सोच के देखिए आप लोग, ऑनेस्टली बताऊं मैं कल इतना माइंड अपसेट था, और जब वो मैंने कमेंट देखा कसम से इतना दुख हुआ कि यार क्या करूं मैं। सबसे पहले यार एक बात ये होती है कि क्या हम ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, भाई बहन को बोल सकते हैं, या अगर आपको कोई ये चीज बोले तो आपको कैसा लगेगा? यार ये नहीं होता कि किसी को हम कुछ भी बोल दें, हर किसी की यार एक अपनी लाइफ होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। अगर मैं किसी को गलत नहीं बोलता तो यार मैं भी ये चाहता हूं कि मुझे भी कोई गलत ना बोले। आपको कुछ लगता है कि यार मुझे पता, देखो ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल से जुड़े हुए हैं, और मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं यार कि कुछ भी कहीं भी मुंह उठा के भौंकने लगते हैं, ये चीज बहुत गलत है। ऑनेस्टली बताऊं इतना गुस्सा आया कल कि क्या करूं मैं, क्योंकि मेंटली मतलब यार इतना सैड था मैं, इतनी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद यार ये लोगों को कोई शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, कसम से इतना दुख हुआ। चलो ओवरऑल प्लीज मैं यार मैं आप लोगों से जो भी टॉक टू जीआर के भाई साहब, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के, ये जो अपनी बकवास है ना, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को जाके बकेंगे चीजें, ठीक है? यहां बकने की जरूरत नहीं है, हमारी इस फैमिली में आके गंदगी ना फैलाएं। आपको कोई चीज पसंद नहीं है प्लीज आप ना देखें। हमारी जो फैमिली है 17-18 हजार जो लोग हैं या और भी अन्य लोग हैं, वो हमारे साथ और हम उनके साथ बिल्कुल खुश हैं। प्लीज ये गंदगी ना फैलाएं इस चैनल पे। हमारे मतलब जो मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, हमारे भाई बहन सब इस चैनल पे हैं, तो प्लीज उनको कुछ आप ये यहाँ पे कोई गलत चीजें ना बोलें। इसके बाद फ्रेंड्स अभी बात करते हैं, रीट 2019 जो परीक्षा है उसे रद्द करने की याचिका लगाई गई है। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीआई और एनटीए से 5 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। तो अभी लग रहा है कि जो परीक्षा है ये खतरे में है, क्योंकि अभी जवाब मांगा है, अभी देखते हैं क्या होता है इसके बाद। इसके बाद साथियों एक और अपडेट आ रही है, आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स, इसमें 4500 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। मतलब 4500 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती होगी इसमें आरपीएफ, और इतनी बड़ी मात्रा में जो वैकेंसी मतलब फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेंगे, 4500 स्पेशल फीमेल कांस्टेबल की इसमें भर्ती होगी। तो मैं रियली बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारी मतलब देश में गर्ल्स हैं उनके लिए इतनी गवर्नमेंट सोच रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो 4500 जो वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज है, तो प्रस्तावित हो चुकी हैं ये, और ये जल्द ही निकलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने दूसरा चैनल, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये कुछ अपडेट है आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत हो, आप गलत है तो आप मुझे पर्सनली बता दीजिए, मैं आपकी बात को जरूर वो देखूंगा। और रही बात ऐसे साथियों की, तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि प्लीज आगे से ये सारी चीजें ना करें। कई बार ऐसा होता है माइंड दूसरे का भी अपसेट होता है और गुस्सा दूसरे को भी आता है, ये प्लीज ध्यान रखिए आप। ये नहीं कि यार कोई बंदा अगर एक दूसरे के साथ सही है, ये हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली,
गुस्सा मुझे भी आता है, ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखें। थैंक यू।